राधे राधे, आप लोगों का स्वागत है वृंदावन से हमारे ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग नहीं देखे हो तो फटाफट जाके देख लो, कति मस्त वाला ब्लॉग है। बिहारी जी का दर्शन आप लोग भी कर लो। और यहाँ भाई हम कर रहे हैं चेकआउट, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का मुंह बना हुआ है। नहीं नहीं, मुंह नहीं बना। और यहाँ ये रहे पाड़े जी। हेलो मिस्टर हैंडसम, राधे राधे। तो गाइस अभी हम चेकआउट कर रहे हैं, अभी बज रहे हैं 8, तो हम सीधे निकलेंगे यहाँ से। रास्ते में रुकेंगे अगर तो प्रिया काम जी मंदिर में दर्शन करेंगे और पहुंचेंगे लाडली मंदिर बरसाने। तो आप लोग भी चल, तो फटाफट ब्लॉग में बने रहना, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, आप लोगों को भी दर्शन करवा देंगे। तो चलो फटाफट चलते हैं। इस रूम को बाबा करने का हो गया टाइम। और आप लोग भी अगर वृंदावन आना चाहते हो, कोई जानकारी चाहते हो, तो सब कुछ ब्लॉग में बताऊंगी एकदम डिटेल में कि कितने में रूम मिला और क्या खाने का चार्ज था, क्या क्या था। तो गाइस होटल में एक मंदिर भी है लक्ष्मी माता का, और कुछ इस प्रकार से ये है हमारा होटल। कुछ ऐसा नज़ारा, पार्किंग वगैरह भी है। और ये रहा फुल सामान, बैग वगैरह रख दिया, बंद कर दे भाई। मस्त अपनी गाड़ी में बैठते और निकलते प्रिया कांजू मंदिर के लिए, वहाँ पे दर्शन करेंगे गाइस। बिहारी लाल की। तो गाइस देखो फिलहाल हम निकल चुके हैं प्रिया कांजू मंदिर के लिए। हरी बोल, हरी बोल। पहुंच चुके प्रिया कांजू मंदिर, यहाँ पे चलते हैं मस्त दर्शन करते हैं। मम्मी मंदिर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और भाई साहब ये देखो ब्रिज बना रखा है ऊपर। प्रिया कांजू मंदिर के दर्शन कर लिए, और कैसा लगा है आपको? बहुत बढ़िया। देखो मेरा वृंदावन गए, जब हम लोग जा रहे हैं बरसाना की तरफ, तो भाई मेरा वृंदावन को करते बाय बाय और चलते हैं बरसाना की गली में, ऊपर नीचे गली में। ओके गाइस, सुखदेव ढाबा यहाँ पे गाइस, को ये अच्छा सा वो है रेस्टोरेंट। और गाइस देखो बेबो को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए पापा ने रोक लिया। और भाई बरसाना भी नहीं गए, ये बरसाना से पहले खाने ही खा ले रहे, बताओ। चलो फिर फिलहाल मेरे को बहुत तेज भूख लग रही, फिर फटाक चलते हैं। गाड़ी लॉक हो गई, कर दी मैंने। तो आज का हमारा आ गया यहाँ पे ब्रेकफास्ट, जिसमें भाई बहुत सारा बटर, आलू के पराठे, और ये रहे पाड़े जी लपेट। सुखदेव में, अरे भैया का तो पनीर पराठा मेरे को मदद मंगाई है, वेज बर्गर, तो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे मैं हमने सारे का सारा अपना खाना खा लिया है। मैं मेरा पनीर पराठा था, मेरा और पापा का, मतलब मेरा पनीर पराठा, पापा और मम्मी का आलू पराठा, और इसका बर्गर। ये देखो गाइस सब कुछ चित्र विचर कर, तो बेबो और मम्मी ले रही है आइसक्रीम, और भाई पापा तो वहाँ पे बात कर रहे हैं, और भाई इनको लेने दे आइसक्रीम, देखते कौन से लेते हैं। चूँकि हमारा बिल्कुल डन, और बेबो ने तो भाई यहाँ पे चॉकलेट वाली आइसक्रीम, और फिलहाल चलते भाई अपनी गाड़ी, अपनी गड्डी का है, अपनी गड्डी का है, लगता है छुपी हुई होगी गाइस तेरी अपनी गाड़ी। अब चलो फटाक से बैठते हैं। पहुंच चुके हैं राधा लाडली मंदिर गए, जो कि बरसाने में। फिलहाल फटाक से चलते हैं, निकलते हैं और बड़े दर्शन करके आते हैं फटाक से। अरे वाह, आ जाओ गाइस, आ जाओ। क्या बात है गाइस, ये रहा अपना मंदिर यहाँ पे। भाई प्रसाद वगैरह सब ले लिया हमने, भाई बेबो को देखा।
राधे का फ्लावर मंदिर के अंदर आ चुके हैं और भाई साहब बोल रहे राधा रानी। और भाई चलो फिलहाल मस्त दर्शन पे हो गए। इतना बड़ा पंखा बेबा, इतना बड़ा पंखा, पंखा है पंखा। और गैस देखो मम्मी पापा तो वहाँ अंदर गए हैं अभी और फिर हमारे दर्शन हो गए अपने। तो गैस देखो फिर हम लोग बाहर आ चुके हैं। दर्शन तो हमारे बिल्कुल मस्त हो चुके हैं, अब पहले चलते गाड़ी में बैठते हैं। पापा ने तो लेग देखी है भाई, पापा के पैर में दर्द हो रहा है। गाइस मजा आ रहा है। यस अब हम लोग नीचे जा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल फटाक्स चलते हैं। नीचे आ चुके हैं, फिलहाल फटाक्स चलते हैं अपनी गाड़ी पे और बैठते हैं और निकलते हैं गाइस, क्योंकि बहुत तेज गर्मी हो रही है। पापा को लग रही है, बेबू को लग रही है, मम्मी को लग रही है। पीछे छूट गए पापा और मैं आ चुके, फिर आप बस पानी खरीदते भाई क्योंकि बहुत तेज प्यास लग रही है। और फिर आप फटाक्स चलते गाड़ी में बैठते हैं। और भाई ये देखो कीर्ति मंदिर दिखा हुआ है गाइस, कीर्ति मंदिर। और भाई देख रहे हो कितना सुंदर बना रखा है। हम लोग बरसाना से निकल चुके हैं और भाई बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी वैसे तो, भाई जहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि मतलब गाइस की रेलिंग पकड़ के चलना पड़ता है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था, मजा आ रहा है। जा रहे थे दर्शन करके निकले, जा रहे थे गए, ऐसा तो सीन, लेकिन अंदर तो भीड़ थी मंदिर पर। हां मंदिर पर भीड़ रहेगी, पगड़ी वाली होगी। और बहुत ज्यादा अच्छे दर्शन हुए और कहते थे कुछ अच्छा, कुछ अच्छी लाइन थी संस्कृत में, क्या था हिंदी में, फिर दर्शन पाके हम लोग तृप्त हो गए। देखो मैंने कहा पापा ने गाड़ी रोकी है, पापा ने गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि भाई पापा को नेचर्स कॉल आई थी। और यहाँ पर देखो ये तालाब है जो कि थोड़ा सा गंदा है, ज़्यादा नहीं है, तो ये तो थोड़ा सा गंदगी है, ज़्यादा नहीं है। और भाई वो देखो वहाँ पे इतने सारे बर्ड, माय गॉश गाइस, वो देखो वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे। चलो मैं भी एंजॉय करता हूँ, गाड़ी में जाके बैठता हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। ओह शिट, ये पापा क्या कर रहे हैं। पहले आप गाइस देखो यहाँ पे पहाड़ी फील दे गए, जहाँ पे इतने सारे गाइस हरियाली ही हरियाली गाइस। ये मौसम क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, और पहाड़ी फील है पापा। क्या कहना चाहोगे आप, कैसे दर्शन हुआ आपके? ये धान की खेती है, पापा खेतों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ओ माय गॉड गाइस, पापा का जो बचपन है, किसान के बेटे हैं इसलिए ये फील समझ रहे हैं धान की खेती का महक है। महक पापा का जो बचपन है ना वो ऐसे खेतों में गुजरा है पापा। आया है मुझे फिर याद वो जाने, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जान। तो गाइस पापा का गाना कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में 10 में से 10 मार्क्स दे देना। बचपन का मैं बिल्कुल रास्ते में मस्त होकर जा रहा था और एकदम से मुझे ऐसी चीज दिखती है पापा जल्दी स्पीड ले रहा है, तो बहुत खतरनाक चीज है गाइस। गाइस बेबो यहाँ बैठी है पर बेबो वहाँ पे भी है गाइस, बोले क्या बात है बेबो, बेबो को भाई बेबो इतनी अच्छी स्विमर है ना गाइस, कल हम लोग यमुना जी में जा रहे थे बेबो दिख गई। हम लोग वापस आ चुके वृंदावन से बरसाने से गाइस, घर आ चुके हैं भाई। देखो फिलहाल गाड़ी में सब सो गए थे, फिलहाल वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना। और भाई आने के बाद अभी हमको भूख लगी और मम्मी भी सो गई, पापा सो गए, तो हमको भूख लगी तो हम मैगी बनाने जा रहे हैं। तो फिलहाल फटाक चलते हैं मैगी बनाते हैं। जैसे देखो भाई आ चुके हैं, अपनी पानी भर के मैंने बॉइल कर दिया, इसमें मैगी डालेंगे, देखो बड़े बड़े देखो मस्त डालेंगे और खाएंगे भाई।